Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. जी एक्चुअली पहली बात ये प्रोमो नहीं है, ये एक एवी था। प्रोमो बहुत जल्दी आने वाला है। हाँ जी, तो ये सर ने एक एवी बनाया है जो हमने चंग शूट किया है। और हमारा एक्चुअली शो बहुत लाइट है, बहुत प्यारा शो है। मतलब आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगे, आप जब उस शो को देखोगे ना तो आप कहोगे या तो मेरे पास ऐसी फैमिली हो या मैं इस फैमिली का कनेक्ट हो चुका हूँ। तो ये इतना खूबसूरत है ये शो। अबाउट माई कैरेक्टर, मिठाई मिठाई मिठाई, आप नाम सुन के ही मिठास इसमें आ जाती है। इट्स सच अ वाइब्रेंट एंड वेरी पॉजिटिव ऑफ अ कैरेक्टर। जब मेरे पास आया था मैं खुश हो गई थी स्क्रिप्ट रीड करके, बिकॉज ये इतनी पॉजिटिव कैरेक्टर है। इसमें इस लड़की में संस्कार है, नटखट है, इस लड़की के पास हर चीज़ का हल हो, ऐसा है ये लड़की, ऐसी है ये लड़की। वाइब्रेंट कैरेक्टर है एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मिठाई का जब स्क्रिप्ट आता है दिवात्मा के पास तो दिवात्मा खुश हो जाती है। मतलब आप समझ जाओ कि कितनी प्यारी कैरेक्टर होगी। और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है ये मिठाई का किरदार निभाते हुए, बिकॉज ये कुछ बहुत ही अलग सा शो आने वाला है। हम जब अपने परिवार के साथ होते हैं तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि ओके वी आर जस्ट एक्टिंग और वी जस्ट केम, हम ऐसे ही है। मतलब परिवार वाले सबके साथ वैसी बॉन्डिंग, हाय दादी, तो यू सी द बॉन्ड। एंड जब इतनी पॉजिटिविटी हो तो बहुत अच्छा, यू नो वाइब आती है कि अच्छा होगा, यू नो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं भी अभी एक्सपेक्ट करती हूँ, होप करती हूँ कि आप सभी को पसंद आए। और सिद्धार्थ के बारे में, सिद्धार्थ जो है एक्चुअली बहुत डेप्थ है उस इंसान में। पूरी फैमिली के बीच में रहता है, इतनी बड़ी फैमिली है, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक अकेलापन है अपनी माँ की वजह से, क्योंकि आज माँ साथ नहीं है। और वो सबसे ज़्यादा प्यार अगर दुनिया में किसी को करता है तो अपनी माँ को करता है। अभी दादो उसके बहुत प्यारे हैं, दादो को बहुत प्यार करता है। और अरविंद सर ने जब मुझे ये शो करने के लिए फाइनली बुलाया तो पहला मेरा लीड शो है, तो वो एक्साइटमेंट दिवात्मा जानती है दिवात्मा जानती है वो एक्साइटमेंट। उसको सीरियस रहना था पर प्रोमो में लाइक हम जब कर रहे थे, मेरा तो कैरेक्टर ही वैसा था, तो मैं कुछ रिहर्स कर रही थी एंड आई टर्न एंड आई सी आशीष। एक्चुअली जब मैं एपिसोड शूट करता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं सीरियस रहूँ थ्रू आउट, क्योंकि वो ब्रेक हो जाता है, वो ग्राफ नहीं मिलता। बट प्रोमो जब था तो प्रोमो वाले दिन आई वॉज सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल। हमें एक शॉट देना था जिसमें मुझे सीरियस रहना था बिल्कुल, और दिवात्मा मेरी तरफ टर्न हुई, मैं दिवात्मा की तरफ देख के स्माइल कर रहा हूँ। दिवात्मा बोली क्या हुआ, मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है यार, बिकॉज बहुत लोगों के सपने हैं और आपको अगर मौका मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। बस वो बात है मेरे लिए। तो मतलब द होल कास्ट, एवरीबडी इज सो गुड, सो सपोर्टिव दैट आई कांट टेल यू एवरीबडी। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मिठाई से, फॉर एग्जांपल ये हैप्पी गो लकी है जैसे उसने कहा, आई विल सिट, आई हैव दिस टेंडेंसी, मैं उतनी ही पॉजिटिव, मतलब आई ट्राई टू मिक्स विद एवरीवन एंड मेरा हर किसी के साथ ही अच्छा बॉन्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो मैं मिठाई की तरह इतनी हाई करके वैसे बात नहीं करती, बट रैदर आई एम लाइक कि हाई हेलो हाउ आर यू, तो वैसा है। तो मिठाई जैसा है उससे कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव और वाइब्रेंट दिखाना पड़ता है मुझे। और अगर सिमिलैरिटीज पूछा जाए, लाइक आई सैड गोपाल जी, आई डू बिलीव, एंड लाइक आई सैड कि यू नो मिठाई खाना मुझे भी पसंद है, ज़्यादा नहीं पर ठीक है, आई लाइक दैट। डिफरेंस मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे एक्साइटेड
होती है दिवात्मा उसे ज़्यादा गुना एक्साइटेड होती है मिठाई, और हर चीज़ का दवाई है उसके पास. मतलब फॉर एग्जांपल फॉर अ मोमेंट दिवात्मा कैन बी अच्छा अब क्या किया जाए, शी माइट बी इन सम काइंड ऑफ पैनिक मूड, बट मिठाई विल बी लाइक अच्छा ऐसा हुआ अच्छा तो उसका ये भी हो सकता है चलो वो कर लेते, बट शी विल नेवर बी यू नो हार्डली यू कैन सी सैडनेस ऑन हर फेस. सो जब चेंजेस आएंगे बाद में वो आपको पता चल जाएगा, तब यू नो शी हैज़ very great shades to come. So I was very I'm very excited to do mithai as of now. I'm just going mithai mithai all the time. Okay. Story mein aisa hai ki sabhi family jo bahut pyar hai is family ke andar kisi bhi tarah ki koi bhi conditions aati situations aati sabhi milke face karte hain, aur दादा दादी ने बहुत अच्छे से फैमिली को संभाला है हम सभी बच्चों को. और इसके अलावा हम फैमिली में और भी मेंबर्स हैं, वो आप फाजी और भी इसमें जॉइंटेड है, उनके खुद के बच्चे भी हैं, वो खुद भी इस फैमिली में अभी ज्वाइन होंगे. सो बहुत अच्छी कहानी है और मिठाई शो बहुत अच्छा चल रहा है जी. हाँ मैं इसमें शुभम प्ले कर रहा हूँ जो कि एल्डर ब्रदर है सिद्धार्थ का, और सिद्धार्थ मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत मुझसे हमें रिस्पेक्ट करता है इसके अंदर. और शुभम जो है इस शो के अंदर एक एडॉप्टेड सन है, और कहीं ना कहीं उसको उस बात की चुभन है कि उसके फादर उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन फैमिली में इसको हर फैमिली पर्सन सभी उसको बहुत प्यार करते हैं, उसको उतना मान सम्मान देते हैं, अपने घर के सदस्य मानते हैं. बट शुभम को कहीं ना कहीं फील होता है कि काश अपने फादर के दिल में मैं वो जगह बना पाता. और शायद मैं ये जो मुझे भूमिका मिली है ब्रजवासी होने के कारण ही मिली है, मैं ऐसा समझता हूँ. और ब्रज की जो संस्कृति है, ब्रज की जो भाषा है, जैसा सवाल भी किया गया था, बहुत मीठी है. और मैं जो संवाद भी बोल रहा हूँ ना, वो ब्रजभाषा में बोल रहा हूँ. बाकी तो सब जगह एक जैसे ही है, सब जो नई जनरेशन है वो सब तो खड़ी बोली ही बोलते हैं, अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, तो ब्रज के लोग भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन मैं क्योंकि पारंपरिक ब्रजवासी हूँ और मुखिया हूँ और एक पुरानी एज का आदमी हूँ, तो मैं ब्रजभाषा बोलता हूँ. और ब्रजभाषा जैसे कि है बड़ी मीठी भाषा है, जिसमें सूरदास जी ने अपने पद लिखे हैं, मीराबाई ने पद लिखे हैं, बहुत सारे अष्टछाप के कवि हुए जिन्होंने पद लिखे हैं, तो बड़ा लालित्य है, बड़ा माधुर्य है ब्रजभाषा में. और वो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सबको अच्छी लगे. जहाँ तक बात है परिवार की बात है, तो कोशिश ये रहती है कि मैं परिवार को बांध के रखूँ. थोड़ा सा वैचारिक मतभेद ज़रूर है, जैसा बताया मैंने कि जो आजकल की फ्यूज़न मिठाइयाँ उनकी जगह मैं पारंपरिक मिठाइयों का पक्षधर हूँ, और इसीलिए मैं मिठाई को सपोर्ट करता हूँ. एज यू कैन सी दादी हूँ इस सीरियल में, तो शी इज़ ऑल्सो वेरी लविंग दादी. ऐसी नहीं है कि वो बहुओं को ये करना क्रिटिसाइज़ करना, और अपने हस्बैंड का पूरा साथ देती हैं, जो भी वो करना चाहते हैं उनको साथ देना, और परिवार को जोड़ के रखने वाली, और गोपाल जी को बहुत मानती हैं. मिठाई आती है तो उसके लिए भी उनके उनको अपने परिवार से भी ये होता है समदर्दी कि ये उसके लिए. हाँ तो ये ऐसे करते हैं कि भाई मिठाई को ये करे प्रमोट, आलू जलेबी. मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा ना करे कि भाई अपने परिवार का तुम मिठाई का ये कर रहे हो डाउन और उसको तुम प्रमोट कर रहे हो, तो वो हल्की फुल्की यू नो ये रहती है इनसे. लेकिन वैसे सब एक साथ और अच्छा बड़ा परिवार है, तो सब साथ में रहते हैं. सो वी आर ऑलवेज एक्साइटेड. हम लोग को प्रोमो खुद में बहुत अच्छा लगा था, एंड व्यूज़ ऐसे आए थे कि इतना अच्छा प्रोमो आज तक किसी का देखा नहीं. इट वॉज एक्चुअली वेरी अमेजिंग. सो वहीं से होते ना एक बेस क्रिएट हो गया था कि भाई ये शो आउटस्टैंडिंग होने वाला है. सो वी ऑल होपिंग फॉर द बेस्ट कि अब देखते हैं क्या होता है आगे आगे. मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है अभिषेक चौबे. वो जो दादू है उसका मैं छोटा लड़का हूँ, और ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव गाय, फन लविंग, ही डज नॉट केयर मच अबाउट इशूज़ इन लाइफ. उसके दो बच्चे भी हैं, बट वो भी बच्चे जैसा ही है, क्योंकि घर का छोटा बेटा हमेशा छोटा ही होता है. तो ही इज़ बिन पैम्पर्ड फ्रॉम चाइल्डहुड, सो हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज़ वेरी ईजी गोइंग टाइप. और मेरे बड़े भाई और दादू के बीच में एक वैचारिक मतभेद है, क्योंकि उनको पारंपरिक स्वीट्स पसंद है, इनको फ्यूजन स्वीट्स पसंद है. तो दैट क्रिएट्स टेंशन एट टाइम्स इन हाउस, नॉट रियली ओवर द टॉप टेंशन, बट थोड़ा सा, एंड आई ट्राई टू ईज आउट द सिचुएशन, मैं बैलेंस करता हूँ. सो दैट इज इन अ नटशेल दैट्स माय कैरेक्टर. हाय, सो आई एम प्लेइंग करिश्मास कैरेक्टर, एंड मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत चुलबुली है, एंड शी इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड इनोसेंटली स्टर्बन है. मतलब उसको जो चाहिए उसको चाहिए नो मैटर वॉट.
सो एंड सबसे छोटी है, जैसे ये घर के सबसे छोटे हैं, तो मैं इनकी डॉटर हूँ और मैं घर में सबसे छोटी हूँ. तो ले दे के तो सबका अटेंशन उस पर रहता है, वो अटेंशन सीकर है. सो मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ इस कैरेक्टर को, क्योंकि मुझे एक्चुअली ना सेट से भी वैसा ही प्यार मिल रहा है कर सबसे छोटी है करके. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. हाय, सो आई एम केवी उदानी और इसमें जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ वो है कीर्ति चौबे का, जो सिद्धार्थ की छोटी बहन है. एंड दिस कैरेक्टर इज़ सो सिंपल और अपनी लाइफ में वो बहुत शांति के साथ रहती है. तो मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर मैं चंचला हूँ तो कीर्ति स्थिरता की कला है. शी इज़ वेरी प्लेजेंट इन हर नेचर और बस सारे परिवार को वो भी जोड़ के रखती है हमेशा. उसके सबके साथ रिलेशन बहुत ही स्वीट है. प्लीज़ 4 अप्रैल से, सोमवार से शनिवार 7 बजे आप प्लीज़ देखिएगा मिठाई और बहुत प्यार दीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है और हम बहुत बहुत प्यार से काम कर रहे हैं इस शो पे. ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत प्यारा है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा. और स्पेशली टू दोज पीपल जो हमारे फ़ैन पेजेस हैं, आप इतना एफर्ट्स डालते हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल. आप हमें पर्सनली नहीं जानते बट आप ऐसा फील कराते हैं कि आप हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. थैंक यू. थैंक यू.